कैथल की डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर प्रियंका सोनी ने सरकारी दफ्तरों के कामकाज का जायजा लेने के लिए औचक निरीक्षण का अभियान शुरू किया है। इस सिलसिले में मंगलवार को उत्तरी हरियाणा बिजली वितरण निगम के दफ्तर की अचानक जांच की गई। डॉक्टर प्रियंका सोनी ने सबसे पहले प्रवेश द्वार पर स्थापित उपभोक्ता हेल्प डेस्क पर उपलब्ध सुविधाओं को देखा। इसके बाद एसडीओ दफ्तर, बिजली बिल को दुरुस्त करने वाले काउंटर, बिल प्रिंटिंग शाखा और अकाउंट ब्रांच का भी जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर प्रियंका सोनी ने बिजली के नए मीटर लगाने से संबंधित रिकॉर्ड की भी जांच की। उन्हें बताया गया कि नए बिजली कनेक्शन 3 कार्य दिवस के भीतर जारी कर दिए जाते हैं। डॉक्टर प्रियंका सोनी ने ऑन द स्पॉट बिलिंग की प्रक्रिया को भी समझा। बाद में पत्रकारों से बात करते हुए डीसी प्रियंका सोनी ने कहा कि आकस्मिक निरीक्षण का यह सिलसिला भविष्य में ही जारी रहेगा। आज बिजली विभाग के यूएचबीएन के ऑफिस में आज एक बार विजिट किया गया था, जिसके चलते जो आम आदमी है वो किस प्रकार से अपने बिल के करेक्शन के लिए हो, चाहे बिल की पेमेंट्स के लिए हो, वो यहाँ पे आते हैं और उसका समाधान जो है वो किस प्रकार से किया जाता है, इन सारी व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया गया। और जो यहाँ पे व्यवस्थाएं बनाई गई हैं आम आदमी को सुविधा देने के लिए, काफ़ी संतोषजनक पाई गई। और सभी अधिकारियों से भी उनकी कार्यप्रणाली के बारे में भी पूछा गया है। और जो एजेंसीज हैं यहाँ पे कार्यरत हैं और जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और लेटेस्ट जो इन्फॉर्मेशन और सुविधाएं लोगों को दिए जाने वाली हैं उसके बारे में विस्तृत चर्चा की गई है और यहाँ की व्यवस्थाएं काफ़ी संतोषजनक पाई गई हैं। देखिए, सरकार की तरफ से स्टैंडिंग आदेश तो हरदम ही रहते हैं कि जो जिले में जितने भी विभाग हैं वो सब अपना कार्य सुचारू रूप से करते रहें ताकि आमजन को कोई भी परेशानी ना हो। हाँ जी, ये आगे भी जारी रहेगा, डिपेंड करता है कि किस प्रकार से हमारी मीटिंग्स या कोई भी ऊपर से जो प्रोग्राम है वो किस प्रकार से आता है। और जैसे जैसे समय मिलता है हम फील्ड में विजिट करेंगे और सभी विभागों के जो दफ्तर है उनका निरीक्षण करेंगे। आज यहाँ पे लगभग संतोषजनक सारी चीजें मिली हैं, यहाँ पे कोई ऐसी मेजर कोई खामी नहीं मिली। दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। उत्तरी हरियाणा बिजली वितरण निगम के काम काज के बारे में 2 शब्द भी कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़ दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबा दें ताकि हमारे हर एक नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद।